नमस्कार, मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंगल इंसान का जीवन कितना आनंद में होता है और एक व्यक्ति जो अकेले अपना जीवन यापन करता है वो कितना खुश रहता है। देखिए, मैंने अभी गाड़ी आगे लगाई है, अपना यहाँ पे आराम से आइए। ये मैं अपने यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, यहाँ पे हमारी बुक्स वगैरह और जो वकालत के काम है वो सारा मिलेगा। तो यहाँ से एंट्री होते ही मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे हम अपने आने वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इसके बाद ये मेरा बेडरूम है, आराम से एक अकेला आदमी डबल बेड पे कितने आनंद से सो सकता है इसको देख के आप आराम से अपना हिसाब लगा सकते हैं। कोई डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये राधा कृष्ण की भी मैंने तस्वीर लगा रखी है। आराम से यहाँ पे ऐसे करके लेटा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं अपना किचन दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे किचन में सारी व्यवस्था है हमारे खाने की। अधिकतर मैं चाय बनाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा नाश्ता बना लेता हूँ कभी कभी। गैस का चूल्हा भी है मेरे पास, ऐसे अधिकतर होटल से ही खाता हूँ मैं। और ये है मेरी डाइनिंग टेबल, इसमें बहुत ही तसल्ली के साथ 6 चेयर्स में से किसी भी चेयर पे बैठ के आराम से खाना खाता हूँ, गॉसिप भी करता हूँ कभी कभी कोई मित्र आते हैं तो। ये मेरा थोड़ा सा फ्रिज भी है, इसमें आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे खाने को। और देखिए, उसके बाद कभी मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, बस घर के पीछे का दरवाजा आप खोलिए, ये गार्डन सारा हमारा है। पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे, ये चमेली है, ये गेंदा है, ये गुलदावरी है, ये मधुमालती है, ये गुड़हल है। और रोड के बिल्कुल समझ लीजिए रोड पे ही है मकान पूरा, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग।
और ये पीपल का पेड़ है गार्डन में, बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है। ये करी पत्ता है, और ये तुलसी तुलसा मात है, और सर्दी का मौसम है थोड़ा जड़ गई है। और देखिए ये खूबसूरत गुलाब का फूल खिला हुआ है, और भी गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये सारा गार्डन हमारा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप दिल्ली पधारें तो हमसे अवश्य मिलें। नमस्कार।